दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था स्टेट बैंक में आप किस तरीके से RD, FD ये सब किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, मतलब ओपन कर सकते हो और क्लोज़ भी कर सकते हो। वो सब वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये वीडियो मुझे याद आया कि ये भी बनाना चाहिए, क्योंकि SBI में आपको एक फ़ीचर मिलता है जहाँ से आप खुद ब खुद अपने घर बैठे PMSBY, PMJJBY जो स्कीम्स होते हैं ना, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति योजना ये वगैरह वगैरह जो स्कीम्स होते हैं, मतलब साल का कुछ पैसा आप देते हो तो उसमें आपको मतलब पूरा साल भर आपका कवरेज रहता है, आपका एक इंश्योरेंस बना रहता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से अप्लाई करोगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर अटल पेंशन योजना भी है, जो कि आपको 60 मतलब आपका 60 वर्ष होने के बाद आपको पेंशन मिलेगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इजीली इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो के मदद से स्टेट बैंक में आप ये सब खाता ओपन कर सकते हो, जिसमें महीने का कुछ नहीं लगता है। महीने का अगर आप अटल पेंशन योजना में जाते हो तो वहाँ में महीने का आप जो सिलेक्ट करोगे स्कीम, उसके अनुसार आपको 60 वर्ष होने के बाद आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, दोनों जगह पे आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक कर देना वीडियो को। अगर दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत दिल में जगह बचा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके पास अगर योनो एप्लीकेशन आपने रजिस्टर नहीं किया है तो योनो एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लीजिएगा, आपके बैंक में जाके यूज़र आईडी पासवर्ड वो लोग दे देंगे, ठीक है। तो उसमें जब भी लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा लॉगिन किया हुआ है, ऊपर देख सकते हो 3 डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ देख सकते हो सर्विस रिक्वेस्ट करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस है इसके सबसे नीचे आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आप जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो PMSBY है, इसके अंदर आपको 2 लाख का आपका इंश्योरेंस होगा अगर आपका कोई कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो, इस तरीके का, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आपका क्या है, इसमें 18 से 70 साल तक आपका जो ये स्कीम चलता रहेगा, इसमें आपका साल में आपको 12 रुपये आपको पे करना है, मतलब मंथली 1 रुपये करके आपको प्रीमियम देना है, ठीक है। ताकि जब भी आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा स्टेप, क्या क्या स्टेप आपको करना है। तो इसके अंदर आपको जाना है, अपने इंटरनेट बैंकिंग ओपन करना है, हम कंप्यूटर में ओपन कर लेंगे जहाँ पे आपको इजीली दिखेगा, ठीक है। सक्सेसफुली हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे, मतलब गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ऑनलाइन SBI। तो ऑनलाइन SBI जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले onlinesbi.com आपका ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको लॉगिन कर लेना है। जिस आईडी से आप अपना योनो लॉगिन करते हो ना, वही आईडी से यहाँ पे लॉगिन आपको करना है, क्योंकि वही आपका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से योनो में आपको रजिस्टर किया जाता है, तो वो अगर नहीं पता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर पता है तो वीडियो को देख लो। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कंटिन्यू टू लॉगिन पे। कंटिन्यू टू लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम दे देना है, उसके बाद पासवर्ड, और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम कर ले। OTP देने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पोर्टल है, आपका जो अकाउंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे विक्रम सरकार, यह हमारा इंटरनेट बैंकिंग है, तो यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जाके आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ई सर्विस पे आपको क्लिक करना है। ये जो ई सर्विस वाला ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से, ये कहीं और जगह पे भी आपको शो कर सकता है कभी भी। तो यहाँ पे ई सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो मोर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि ये है, इस तरीके का लोगो है, और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे आपको क्लिक कर लेना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कौन सा सिक्योरिटी स्कीम अप्लाई करना चाहोगे, ये काम आप सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हमें यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करना है, जीवन ज्योति योजना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना करना है। तो इसके बाद अकाउंट नंबर आपका सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अगर जानना चाहते हो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है, अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। टू नो अबाउट अटल पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप PMSBI पे क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकते हो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा और कितना रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 रुपये सालाना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका और भी अकाउंट यहाँ पे शो कर सकता है, पर हमारा एक ही अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहे हैं। देन यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हमारे केस में यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, हमारे साइट से यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, जैसे कि कोई सर्वर इशू वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके लिए तो मैं उतना वेट नहीं कर पाऊँगा। मैं इस वजह से मैं वीडियो आप लोगों को बताने के लिए बना रहा था कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम पे यहाँ पे आपको इस तरीके का अगर पैरामीटर्स दिखाता है तो आपको जाना पड़ेगा आपके बैंक में, ठीक है। अगर आपके यहाँ से हो जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कि मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अकाउंट नंबर ले लिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे इनवैलिड पैरामीटर्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है जहाँ से, जिसके कारण से हमारे पास से यहाँ पे पैसा का जो ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके केस में हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक OTP आएगा, OTP आपको फिल कर देना है और आपका यहाँ पे स्टेटस पे आप चेक कर सकते हो आपका एप्लीकेशन हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी नॉलेज मिला और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को कीजिए एक लाइक, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।